Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 5 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना। चलिए इस क्लास में हम सीखेंगे किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना और अगर नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो उसको वापस शॉर्ट फॉर्म यानी यूजुअल फॉर्म में लिखना। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से। सपोज करिए आपने किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। देखिए सपोज करिए आपसे बोला जाता है 3207159 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। आपसे बोला जाएगा राइट द न्यूमरल इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस न्यूमरल। ठीक है तो आपने करना क्या है, देखिए इसको दो तरीके हो, एक तो होता है आपका फुल सॉल्यूशन लिखना और दूसरा होता है शॉर्टकट में इसको कैसे आप लिखेंगे। पहले हम फुल सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए आपने प्लेसेस मार्क करने हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एंड टेन लैक। इसके बाद में आपने क्या लिखना है, थ्री टेन लैक्स। उसके बाद में प्लस का साइन, हर डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है और बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। थ्री की प्लेस वैल्यू लिखी हमने 3 10 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 0 10,000 प्लस 7,000 प्लस 100 प्लस 5 tens एंड लास्ट में आ जाएगा प्लस आपका 9 ones। और जब हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि 10 lakh में कितनी जीरोज होती हैं, लैक में कितनी जीरोज होती हैं, 10,000 में कितनी जीरोज होती हैं। तो जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते थे नॉर्मली हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितनी जीरो लगानी है, 6 जीरोज लगानी है क्योंकि 10 lakh में कितनी जीरोज होती है, 6 जीरोज होती है। ये हो जाएगा ठीक है। प्लस 2 lakh तो 2 के आगे 5 जीरोज लगानी है क्योंकि लैक में कितनी जीरोज होती है, 5 जीरोज होती है। अब ध्यान रखना 0 10,000, अब 0 की प्लेस वैल्यू तो 0 ही होती है ना, तो आपने एक काम करना है प्लस 0 लिख भी सकते हो और 0 को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। ठीक है क्या आएगा, 7,000 तो प्लस 7 के आगे 3 जीरोज, 100 प्लस 100 प्लस 5 tens मतलब 59 ones is 9। सिंपल ये इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताने वाला हूं, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आपने चलना है कि अगर स्कूल में आपको फुल सॉल्यूशन कराया है तो फुल सॉल्यूशन लिखना है, अदरवाइज ये आपका शॉर्ट सॉल्यूशन यानी लास्ट स्टेप ही सफिशिएंट होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 7390872, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखनी है, राइट द नंबर इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और हर डिजिट को लिखते चलना है। 7 लिखा आपने, इसके आगे कितनी जीरो लगानी है, जितने इस 7 के आगे क्या है डिजिट्स हैं, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोज लगा दो। ठीक है 3 4 5 6 7 जीरोज लगा दी। ठीक है प्लस का साइन डालना है, 7 हो गया था, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितनी जीरोज लगानी है, 2 2 2 6 जीरोज लगानी है। ठीक है 6 डिजिट्स हैं तो ये 6 जीरोज आप लगा दोगे। इसके बाद प्लस नेक्स्ट आएगा आपका 9। ठीक है 9 के आगे कितनी जीरोज लगानी है, 5 जीरोज लगानी है क्योंकि 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट आएगा आपका 0, मैंने बोला था 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है तो उसको नहीं लिखना होता, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है प्लस करके नेक्स्ट आ जाएगा आपका 8, 8 के आगे कितनी जीरोज लगानी है, 3 प्लस 7 के आगे कितनी जीरोज लगानी है, 2 प्लस 4 के आगे कितनी जीरो लगानी है, 1 प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका 2, इसके आगे कोई जीरो नहीं आएगी क्योंकि 2 के आगे कोई डिजिट नहीं था। तो ये हो जाएगी इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए एक एग्जांपल और कराता हूं। सपोज करिए क्वेश्चन है 10007, सिंपल ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो देखिए आपने 1 लिखना है और 1 के आगे कितनी जीरोज लिखनी है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है ना,
तो 5 zeros आप लगा दो। प्लस अब जितने भी आगे डिजिट्स हैं, ठीक है, ये सारे जीरो हैं, तो इनको तो स्किप कर देना है। अब सीधा आपने 7 को लिखना है, ठीक है, 7 के आगे कोई जीरो नहीं आएगी क्योंकि 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इनका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3, 4, 5, 0, 6, 7, 0, 8। आई होप कि सभी का सॉल्व हो गया होगा, आंसर आ गया होगा। देखिए आपने क्या किया होगा, 3 लिखा होगा, 3 के आगे कितने जीरोज लगाए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट से 7 जीरोज लगा दिए होंगे, 6, 7, ठीक है। प्लस 4 के आगे आपने 6 जीरोज लगाए होंगे, यानी 6 जीरोज लगाए होंगे। प्लस 5 के आगे 5 जीरोज, 1, 2, 3, 4, 5। प्लस 0 को स्किप कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, ठीक है, 6, 6 के आगे 3 जीरोज, 7 के आगे 2 जीरोज, इस 0 को स्किप कर दिया होगा। प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा, इसके आगे कोई 0 नहीं लिखा होगा, ठीक है, ये सभी का आंसर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट। 9, 0, 0, 9, 8, 0, 7, सभी का सॉल्व हो गया होगा, आंसर चेक कर लीजिएगा। देखिए 9 लिखना था, 9 के आगे कितने जीरोज लगाने थे, 6 जीरोज, जीरोज को स्किप कर देना था, छोड़ देना था, फिर 9 के आगे आपने 3 जीरोज लगाने थे, 3 डिजिट्स थे, ठीक है। प्लस 8 के आगे 2 जीरोज लगाने थे, जीरो को स्किप कर दिया होगा, फिर 7 लिखना था, ठीक है, 7 के आगे कोई जीरो नहीं लगाना था, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए है, क्वेश्चन है 5, 0, 3, 0, 7, 0, 0। देखिए आंसर आ गया होगा सभी का, आपने 5 लिखा होगा, 5 के आगे कितनी जीरोज लगाई होंगी आपने, 6 जीरोज, क्योंकि 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लस 0 को स्किप किया, 3 के आगे कितने जीरोज लगाए आपने, 4 जीरोज, क्योंकि 3 के आगे कितने डिजिट्स थे, 4 डिजिट्स थे, 0 को स्किप किया, फिर 7, 7 के आगे कितने जीरोज, 2 जीरोज लगाने, ठीक है, 2 डिजिट्स थे, इसके आगे सारे जीरोज थे, उनको स्किप कर दिया। दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब बात करते हैं कि अगर नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन हो, क्या गिवन हो, नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो, उसको वापस यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है। नंबर को यूजुअल या फिर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, टॉपिक समझ लीजिए। आपको इस बार ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा नंबर, हमने नहीं लिखनी एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा, उसके लिए हमने न्यूमरल लिखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, उसको यूजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए 3, उसके आगे 6 जीरोज हैं, 7, 4 जीरोज हैं, प्लस 8, 0, 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आपसे बोला जाएगा राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, या फिर राइट द न्यूमरल इन इट्स शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना। एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं यहां पे, देखिए आपका जो न्यूमरल होगा वो कितने डिजिट का होगा, आपका जो न्यूमरल होगा वो कितने डिजिट का होगा, ये आपका इस नंबर से जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ ना इससे पता चल जाएगा, इसके अंदर कितने डिजिट का काउंट कर लो आप, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो आपका नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, 7 डिजिट का होगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे पहले मैं आपको थोड़ा इजी वे में बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करके, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 सर्कल कर लिए क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो 7 डिजिट का होगा, सिंपल, ठीक है। यहां पे ये चीज मुझे पता चल गई, 7 डिजिट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, काउंट करिए फटाफट, 5 डिजिट्स हैं, सिंपल, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, कुछ नहीं करना आपने। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 3 लिख दो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पोजीशन पे 8 लिख दो, ठीक है, ये जीरोज को छोड़ना है, इग्नोर करना है जीरोज को, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई, थर्ड पोजीशन पे आपने क्या लिखना है, 8 लिखना है, उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे क्या लिखना है, 7 लिखना है, उसके बाद में सेवेंथ पोजीशन यानी सिक्स्थ सेवेंथ, ठीक है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो पोजीशंस आपकी ब्लैंक रह गई, ठीक है, इसमें क्या आएगा, तो सिंपल है, इसमें आएगा जीरोज, इसमें आप क्या लिख दोगे,
जीरोस डाल दो, ठीक है। जो पोजीशंस मिसिंग थी उस पे क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है, 3070803 is the short form for the given expanded form. आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3000+5000+800, ठीक है। देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी आपको काफी होती है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आपने एग्जाम में ये सर्कल वगैरह नहीं करना है, इतना आप माइंड में सोच लोगे कि कौन सी पोजीशन मिसिंग है और कहां जीरो आना है, सिंपल, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है, इसमें कितने डिजिट्स हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं। इट मींस आपका आंसर जो होगा वो एक 8 डिजिट का नंबर होगा। कितने डिजिट का नंबर होगा, 8 डिजिट का नंबर होगा। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4, सिंपल, ठीक है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन नहीं है ना, यहाँ पे देखो 3 है, 4 है, 8 है। फर्स्ट पोजीशन 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, ठीक है, 1 2 नहीं है, मिसिंग है। उसके बाद 4 है, ठीक है, 1 2 नहीं है, ठीक है, मिसिंग है, 1 2 नहीं है। उसके बाद 3 है, 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देखोगे 5 6 7 भी नहीं है, ठीक है। जो जो पोजीशन मिसिंग है उनके लिए आपने क्या लिखना है, जीरोस लगानी है, सिंपल। फर्स्ट पोजीशन नहीं है तो क्या लिखोगे, जीरो। सेकंड पोजीशन भी नहीं है, क्या लिखोगे, जीरो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। फिर थर्ड के आगे फोर्थ पोजीशन है तो क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, ठीक है। फोर्थ के आगे फिफ्थ पोजीशन नहीं है, जीरो। सिक्स पोजीशन नहीं है, जीरो। सेवेंथ पोजीशन नहीं है, जीरो, ठीक है। एट्थ पोजीशन है, क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। बड़ा सिंपल है एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बट इन मिसिंग प्लेसेस का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन है 8000+800, सिंपल ये क्वेश्चन है। इसके लिए आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, आपको हो गए 5 डिजिट्स हैं, सिंपल, ठीक है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। लेकिन आपने तो स्टार्ट फर्स्ट पोजीशन से ही करना है ना, फर्स्ट से स्टार्ट करना है और कहां तक, फिफ्थ तक। 5 डिजिट का नंबर होगा ना, तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट। फर्स्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, 1 2 मिसिंग है दोनों, ठीक है। फर्स्ट मिसिंग है, 0। सेकंड मिसिंग है, 0। थर्ड है, ठीक है, थर्ड पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फोर्थ मिसिंग है, 0। फिफ्थ है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, आपने आंसर निकाल के बताना है। देखिए क्वेश्चन है 7000+5+3, ठीक है। इसको लिखना है आपने नॉर्मल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में। चलिए आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए आपने क्या किया होगा, आपने यहां देखा होगा कितने डिजिट्स हैं, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 1 डिजिट है, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि 7 डिजिट का नंबर होगा आंसर जो होगा, ठीक है, वो एक 7 डिजिट का नंबर होगा। तो फर्स्ट डिजिट क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ डिजिट क्या होगी। देखिए आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट पोजीशन है ना, 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा 3। आपने लिख दिया फर्स्ट पोजीशन पे 3। फर्स्ट के बाद में आता है फिर सेकंड, ठीक है। सेकंड तो नहीं है ना, मिसिंग है, तो सेकंड पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। सेकंड के बाद में थर्ड है तो 7 आ जाएगा। थर्ड के बाद में फोर्थ नहीं है तो फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सेवेंथ है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। भाई जो पोजीशन प्रेजेंट है तो उसके लिए तो आपने ये फर्स्ट डिजिट लिखना होता है हर एक केस में। ये फर्स्ट डिजिट लिखा मैंने, ये फर्स्ट डिजिट लिखा, ये फर्स्ट डिजिट लिखा और ये फर्स्ट डिजिट लिखा, ठीक है। और जो प्लेसेस आपके मिसिंग है, जो पोजीशंस मिसिंग है, उसमें आप क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे, सिंपल। इतना सा काम आपने किया होगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिएगा। 9 4 times 0 9 3 times 0 9 2 times 0 9 1 times 0 and +9, ठीक है, हो गया होगा सॉल्व सभी का। देखिए इस बार आपने क्या किया, इसमें 5 डिजिट्स थे, 4 डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स थी, यहाँ पे 2 डिजिट्स थी और यहाँ पे आपका एक सिंगल डिजिट था, ठीक है, 1 डिजिट। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 पे
सारे प्लेसेस है, सारी पोजीशंस है ना इस बार, तो 5 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें इस बार कोई जीरो आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी पोजीशन आपकी मिसिंग नहीं है। फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। सेकंड डिजिट क्या होगा आपका? वो भी 9 होगा। थर्ड डिजिट क्या होगा? वो भी 9 होगा। थर्ड के बाद फोर्थ आता है वो भी 9 होगा। फिफ्थ आता है वो भी क्या होगा आपका? 9 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर सही होना चाहिए था। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिएगा फटाफट। 1 7 times 0 प्लस 2 5 times 0 प्लस 3 3 times 0 प्लस 4 1 times 0 प्लस 5। सिंपल, ठीक है, हो गया होगा सॉल्व सभी का। देखिए यहां पे आपने देखा कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं टोटल। ध्यान देना, डिजिट्स देखनी होगी, ठीक है, सारे डिजिट्स कितने हैं। यहां पे आपने देखा 6 डिजिट्स हैं, यहां पे आपने देखा 4 डिजिट्स हैं, यहां पे 2 डिजिट्स हैं और यहां पे आपका 1 डिजिट है, ठीक है। आपको समझ आ गया 8 डिजिट का नंबर आपका आंसर होगा, लेकिन कौन कौन सी डिजिट्स मिसिंग है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, ठीक है, सिक्स्थ है, सेवन्थ नहीं है, फिर 8th है, ठीक है। तो आपका अगर फर्स्ट से स्टार्ट करना होता तो फर्स्ट में आपने लिख दिया 5, ठीक है, फर्स्ट था, उसके अगर सेकंड था तो 4 लिख दिया, थर्ड मिसिंग था तो 0 लिख दिया, ठीक है, फोर्थ में क्या लिखना है? 3 लिख देना है, फिफ्थ मिसिंग है तो 0 लिख देना है, सिक्स्थ है तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, सेवन्थ मिसिंग है तो 0 लिख देना है, और 8th है तो क्या लिखना है? ये 1 लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो उसके लिए न्यूमरल लिख सकते हैं, मींस उसको शॉर्ट फॉर्म यानी यूजुअल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप इस टॉपिक से रिलेटेड इजीली सॉल्व कर सकते हैं।